सो हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूडी गुनी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए फलहारी यानी फास्ट में खाने वाले जो खाने होते हैं, खाना होता है, मैं आज उसकी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए कोटू के आटे की टिक्की बना रही हूँ, जिसे हम बकवीट फ्लावर भी कहते हैं, उसकी टिक्की बना रही हूँ। ये बहुत ही यम्मी एंड डिलीशियस होती है और बहुत ही नॉर्मली हम बना सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी, यमी यमी लगती है। तो चलिए चलते हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ और आगे की गपशप तो हम करते ही रहेंगे। तो चलिए चलते हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो जय माता दी, लेट्स रॉक। तो फैमिली, ये रहे हमारे कुछ मेजर इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बताते हैं हमने क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कोटू का आटा मतलब बकवीट फ्लावर लिया है। मैं इसे 5 टेबल स्पून यूज करूंगी। यहाँ पे मैं 4-5 बड़े आलू ली हूँ, इसे ग्रेट कर ली हूँ। आप चाहे तो मैश भी कर सकते हैं इसे। यहाँ 5 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल ले रही हूँ। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून के करीब क्यूमिन, रॉक सॉल्ट ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, इसे सेंधा नमक भी कहते हैं। 1/2 टीस्पून के करीब ग्रेट करके मैंने जिंजर लिया है। तो फैमिली अब आगे की प्रिपरेशन करते हैं हम। तो फैमिली अब हमने एक बोल ले लिया है। अब हम अपने मिक्सर को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पोटैटो, मैश पोटैटो को एक बोल में निकाल लेते हैं। कुट्टू का आटा, मैंने 5 टेबल स्पून के करीब डाला है इसमें। टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट 1/2 टीस्पून के करीब, वैसे डालिए आप तो सही रहेगा। 1/2 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर, आप चाहें तो रेड चिली पाउडर स्किप करके ग्रीन चिली डाल सकते हैं चॉप करके। 1/2 टीस्पून के करीब जिंजर पेस्ट, क्यूमिन। फैमिली हमने अपने डो कर लिया है रेडी। सो फैमिली हमने अपनी टिक्की को बना लिया है और हमने अपने पैन को भी हीट करने चढ़ा दिया था। तो चलिए हम अपनी टिक्की को कुक करते हैं। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी। सो फैमिली आज हम अपने आपके साथ प्लेटिंग भी शेयर करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो मैंने टिक्की प्रिपेयर की थी मैं उसको सेट कर देती हूँ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे कर्ड और कुकुम्बर का रायता बनाया है, ये भी फलहारी होता है, बहुत टेस्टी लगता है। सो फैमिली हमारी प्लेटिंग हो चुकी है रेडी। सो फाइनली फैमिली, जैसा कि आपने देखा कि हमारी प्लेटिंग हो चुकी है रेडी। तो चलिए अब करते हैं इसको टेस्ट और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ओके बहुत ही लुक वाइज बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। ओके कर्ड के साथ मैं ले रही हूं। अभी सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है ये, और एक फलहारी लगी नहीं रही हम फलहार खा रहे हैं।
लग रहा है कि हम कोई नॉर्मल स्नैक्स खा रहे हैं, और इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि फास्ट रहता है तो उसमें डीप फ्राई इतना हेवी खाना वो मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसको सेलो फ्राई करेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो फैमिली अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।